नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी आपसे कुछ ज़रूरी बात शेयर मुझे करनी थी कि अभी अभी जी न्यूज़ टीवी के ऊपर हमारी बात हुई, मेरी अभी अभी बात चल रही थी। तो चलो आप सब जुड़ जाएं, उसके बाद हम शेयर अपना करना उसके बाद करते हैं कि भाई क्या बात हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई, वो चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 मिनट का मुझे वो समय दीजिए, मैं थोड़ी इसकी सेटिंग कर लूँ फ़ोन की। पहली तो ये बात है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मुझे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो बच्चे आने वाला भविष्य है हिमाचल प्रदेश का। आने वाला नहीं, वो है भी। जो प्लेयर वहाँ पे सिलेक्ट है या कैंप जिन्होंने अटेंड किया, वो अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट। ना मैं इस चीज़ को नकार सकता हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं, वो मेरे से अच्छे प्लेयर हैं। इस चीज़ को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे से अच्छे प्लेयर हैं। बात ये है कि अगर फेडरेशन के पास सीनियर स्टेट अलग से कराने का मादा नहीं है, मतलब दम नहीं है, तो ये फेडरेशन क्यों बनाई हुई है? क्यों, क्या ज़रूरत है लोगों को कि हाँ हमें फेडरेशन के मुखिया बनना ही है? क्योंकि उसमें कबड्डी एसोसिएशन के जो प्रधान थे, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि काफ़ी समय से हिमाचल का मेडल नहीं आया। अरे मेडल भाई कहाँ से आएगा, कैंप कितने दिन का लगाया है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो शाम को भी मैं क्लियर करूँगा बाकी बातें। कैंप का आज तक हिमाचल की टीम का लगा ही नहीं, 5 दिन 4 दिन, मेडल कहाँ से आएगा मेरे भाई। चलो इनकी इनकी गलती नहीं, जब इन्होंने कभी कबड्डी खेली नहीं तो इनको क्या पता कि कम्बिनेशन होना टीम का कितना ज़रूरी है या कैंप लगाना कितना ज़रूरी है। इन्होंने बोल तो दिया जी टी वी पे कि इनका मेडल कभी आया नहीं। नंदलाल ठाकुर सर थे जी हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी, नॉर्थ जोन में लड़कों ने गोल्ड मारा था ड्यू टू कैंप, क्योंकि उसके लिए कैंप लगा था। चलो खेलो इंडिया की बात हो गई, खेलो इंडिया में आपको पता है मेडल क्यों आया है? क्योंकि जो वो टीम थी वो पूरी की पूरी साई हॉस्टल में प्रैक्टिस करती है। लड़कियां क्यों मेडल लेके आती हैं हिमाचल की? स्टेट हॉस्टल है, साई हॉस्टल है, और सबसे ज़्यादा जो लड़कियां खेलती हैं हमारी कबड्डी टीम में वो साई और स्टेट की होती हैं। वो लोग कंटिन्यू वो बच्चे प्रैक्टिस में हैं, लेकिन लड़कों का क्या, लड़कों का क्या, जिसका कैंपिन ना आज तक लगाया ही नहीं, कभी भी नहीं। मैं पिछले 5 साल का ब्यौरा आपको दे सकता हूँ। 2017 में इनके फ़ोन आते हैं जी कि नेशनल है हमारा हैदराबाद में, वहीं जाके सारी टीम इकट्ठा हुई। मैं ये लोग मेडल ये सोच रहे हैं कि मेडल आ जाएगा, भाई पूछो महाराष्ट्र से, 1 महीने पहले कैंप लगा हुआ है, पूछो हरियाणा से, 2-2 महीने के कैंप लगते हैं। देते क्या हो भाई तुम लोग, क्या डाइट मनी दिया मुझे, मैं खेला हूँ, मुझे बता दो कि आप लोगों ने कहाँ सपोर्ट की है, किस चीज़ में सपोर्ट की है, कितने बच्चे देते हैं किराया, बच्चे देते हैं किराए के, चलो मैं बोल देता हूँ जी, पिछले नेशनल में इन लोगों ने 5,000-5,000 रुपये लिए किराए के। अब ये बोलते हैं विद प्रूफ, प्रूफ, अरे इंसान की सच्चाई, इंसान की अंतरात्मा से ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। रही दूसरी बात, अगर ये प्रूफ मांग रहे हैं तो अभी जो शिवरात्रि मेला हुआ उसको पुलिस करवाती है, पुलिस मंडी एसपी ने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, और फेडरेशन को, मंडी फेडरेशन को ये बोला था कि आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करवाओ। वहाँ पे ना तो इन्होंने अपना कोई सब चीज़ मंडी पुलिस ने पे की थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से थी, लेकिन वहाँ ये लोग हर टीम से 5,000-5,000-6,000 रुपये ले गए। चलो उसका प्रूफ है, क्योंकि वो स्लिप है, वो स्लिप भी इन्होंने, इनकी बदकिस्मती मान लो, कैसे भी मान लो, इनसे वो स्लिप काटी गई, सब सेक्रेटरियों को दी है इन्होंने वो स्लिप है ना, कि हाँ इन्होंने वहाँ पे मंडी शिवरात्रि। तो मैं इनसे ये जवाब मांगना चाहता हूँ फेडरेशन से कि वो पैसे जब आप लोगों का वहाँ लगा ही 1 रुपया नहीं, ठहराने का काम आपको मंडी शिवरात्रि मेले की एसोसिएशन ने किया, सब ने किया, तो आप लोगों ने किस चीज़ के पैसे ले लिए? चलो रही बात दूसरी, 21 तारीख को टूर्नामेंट है, आप लिस्ट निकाल रहे हो 12 तारीख को, सिर्फ 8 दिन के कैंप में ये बोलते हैं कि पूल क्लियर हो जाएगा,
अरे शर्म करो भाई, अगर जेब में पैसे नहीं है ना तो प्लीज़ ये दलालगिरी बंद करें कैंपों की, कि अगर तुम्हारे बस का नहीं है बच्चों को कम से कम 1-1.5 महीना पहले बताओ कि वहाँ पे सीनियर स्टेट ताकि बच्चे तैयारी कर सकें। ये क्या बोलते हैं, आज मैसेज करते हैं शाम को, परसों सीनियर स्टेट है जी, मंडी पहुँच जाना। अरे कोई बच्चे जॉब पे भी हैं, कोई अपनी ड्यूटी पे गए हों, वो कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर। ये सब चीज़ें माँ, चलो अब इन्होंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ जिस टीम को आज पूरा हिमाचल प्रदेश सिफारशी बोल रहा है। मुझे खुद को शर्म आ रही है, मैं कैंप ज्वाइन करने ही नहीं गया क्योंकि सारे लोग उसको बोल रहे हैं कि ये टीम सिफारशी है। तो मैं एक बार 2017 में भी ये मुद्दा उठा था कि ये, तो मैंने उसी टाइम बोला था कि भाई ट्रायल लो, जो अच्छा प्लेयर होगा वो जाएगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर पूरे हिमाचल में ये मुद्दा उठ रहा है कि ये टीम सिफारशी है, अगर इस सिलेक्शन कमेटी को कोई मान नहीं रहा है, तो यार क्या जा रहा है आप लोगों का खर्चा करने के लिए। मैं तैयार हूँ, ले लो ना ट्रायल, एक वीडियोग्राफी कर लो ना अच्छे से, बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। पर कैसे कर सकते हैं, उसमें तो पता ही है इनको कि हुआ ही है गलत, नहीं तो इतने दिन ये बोल रहे हैं कि चलो हमने स्टेट चैंपियनशिप करवाई। तो यार मार्च 2-3 की वो मेला हुआ है जहाँ से उन्होंने सिलेक्शन की, अब तक उन्होंने सिलेक्शन ही क्लियर नहीं की, अब कर रहे हैं 10 दिन ताकि कोई बच्चा कोर्ट केस ना कर सके, ये ना कर सके। और मेरी उस टीम में सिलेक्शन है, ये सोच रहे हैं कि अजय की सिलेक्शन तो है तो अजय कुछ बोलेगा नहीं। अरे मैं क्यों नहीं बोलूँगा भाई, सारा इलाका बोल रहा है, मुझे खुद शर्म आ रही है। अगर मैं अब भी मैं नेशनल खेलने चला गया तो उसमें आप लोगों की बेइज्जती नहीं है, क्योंकि हम अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं अर्जुना वाडी हूँ या पद्मश्री हूँ, हमने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज उस टीम को सभी सिफारशी बोल रहे हैं जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ। तो मैं नहीं जाऊँगा नेशनल को, अगर फिर सिलेक्शन हुई, अगर दोबारा ट्रायल हुए, इन लोगों को बाहर निकाला, दोबारा ट्रायल हों अच्छे से, सिलेक्शन कमेटी बने। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा हिमाचल ही आपके खिलाफ हो जाए, हैरान हूँ मैं इस बात से कि पूरा हिमाचल ही खिलाफ हो गया। यार पूरा हिमाचल ही बोल रहा है कि सिफारशी टीम है, टीम में हम भी हैं। तो यार अगर पूरा देश ही बोल रहा है, पूरा प्रदेश ही बोल रहा है कि ये टीम सिफारशी है, तो भाई मानना पड़ेगा सिफारशी है। वो बोलते हैं ना कि जहाँ अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में ले लोगे ना तो वो चीज़ उसी में मिल जाएगी, ठीक है ना। जहाँ एक भी चीज़ खराब आएगी ना, पानी है ना बहुत अच्छा, 1 लीटर पानी है ठीक है, उसमें कुछ गलत डील चीज़ डाल दीजिए आप, चाहे कोई रंग डाल दीजिए, चाहे वाइन डाल दीजिए, उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो भाई जिस, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो टीम में, अगर कोई सिफारशी बोल रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। तो मैं तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं तो, अगर इन्होंने दोबारा बच्चों के ट्रायल नहीं लिए, मैं तो नहीं जाऊँगा नेशनल के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मेरी नहीं, ये मेरी गरिमा की भी बात है, मैं उस टीम का साथ नहीं दे सकता जिसको पूरा हिमाचल प्रदेश सिफारशी बोल रहा हो। बाकी चलो हम आज शाम को लाइव हो रहे हैं, इन्होंने बोला है कि विद प्रूफ आना, तो प्रूफ भी आप लोगों को देंगे, कोई इश्यू नहीं, उन सब बच्चों को खड़े करेंगे जो जिनसे उन्होंने जो जो मांगा है, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि किन किन कोचों ने पहले बच्चों की लाइफ ख़राब की, कौन पहले कहाँ था, कौन चापलूसी करके अब यहाँ आ गया, ये सब भी आप लोगों के साथ बातें शेयर होंगी। कौन किसका क्या क्या रहा है लाइफ में, ये सब चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप आज शाम को जुड़े रहें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा लेट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी बच्चों में जो रोष है बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो लेट हो सकता है, लेकिन आज लाइव आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी आज इवनिंग में। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी लेट हो जाए क्योंकि कुछ बच्चे बड़ी दूर से आ रहे हैं, तो सबको मिला के ये आज इवनिंग में भी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है, जब वो बच्चे पहुँच जाएंगे हम लाइव आपके सामने कर देंगे। तो आज आवाज़ उठाने का मौका है भाई, सब लोग पूरे ज़ोर शोर से इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, कबड्डी में दलाली बंद होनी चाहिए, ठीक है। हम ये भी हम लोग बताएंगे कि जिनका कबड्डी से दूर दूर तक नाता नहीं, वो किन किन ओहदों पे बैठे हुए हैं, है ना, शहरों में बैठ के कबड्डी को चला रहे हैं। तो सब चीज़ें क्लियर होंगी कि कोई बंदा अगर फेडरेशन के साथ जुड़ता है वो किस लालच में जुड़ता है या क्यों जुड़ता है, ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात,
जहां तक जाया जाएगा, सीएम साहब को भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी मिलेंगे, और जो जो भी जो हमारा बनता होगा, मेरी तरफ से बनता होगा, क्योंकि मुझे अब कबड्डी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अर्जुन अवार्ड हूँ। अगर जो मेरे साथ कोई पहली बार जुड़ा है तो मैं उनको दिखा भी देता हूँ। मैंने तो काफ़ी टाइम से अपनी अलमारी में अर्जुन अवार्ड को रखा है, मुझे लालच कुछ नहीं है कबड्डी से। ये लोग आप देख सकते हैं, ये मेरा अर्जुन अवार्ड है, ये पद्मश्री अवार्ड है। मैं सिर्फ अगर आज लाइव आया हूँ तो उन बच्चों के लिए आया हूँ जो जिनको ट्रस्ट है कि अजय भाई हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने लालच के लिए कि यार मेरी सिलेक्शन तो है मुझे क्या लेना देना, कि मैं आवाज़ ना उठाऊँ, ऐसा होगा नहीं। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों भी रहूँगा, चाहे कुछ हो ना हो, पर लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि कौन किस चापलूसी के लेवल से कहाँ तक पहुँचा है, वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँगा शाम को विद नेम, कौन क्यों फेडरेशन के साथ जुड़ा है, फेडरेशन बनी कैसे, फेडरेशन का जो किस तरीके से इन लोगों ने हड़पी है, क्या क्या इन लोगों ने किया है, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये लोग चलाकी करते हैं, क्या करते हैं। और रही बात प्रूफ की, वो तो मैं दूंगा ही, वो मैं बंदे खड़े करूंगा यार, किससे क्या मांगा गया है, ठीक है। प्रूफ अब ऐसा होता है ना कि जो चोर लोग होते हैं ना, वो बड़ी चलाकी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा चलाकी से। हाँ, पर उनको तो मैं खड़े कर सकता हूँ, जिनसे उन्होंने कुछ मांगा है या किया है वो मैं खड़े करूँगा, या मैं बताऊँगा कि मेरे पास कौन बंदा आया था, कौन आया था, किसके थ्रू फ़ोन आया था, क्या हुआ था। आप बस वेट करते रहिए, इनकी खाट खड़ी करनी है बस दलालों की, कबड्डी में दलाल कोई रहना नहीं चाहिए अब। चलो मिलते हैं जी, इवनिंग तक आप वेट करो। हम लोग बड़े माध्यम से, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि बच्चे बड़े अग्रेशन में आएँ, मेरा सभी बच्चों से भी ये निवेदन रहेगा कि कूल डाउन, बात करनी है हमें, बड़े अच्छे से करेंगे, अच्छे लहजे में करेंगे, इनकी जो औकात है इनको दिखाएंगे, पर किस कैसे दिखानी है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो नमस्कार जी आप सबका जुड़े रहने के लिए, और मैंने एक दो ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप सब उसमें भी सपोर्ट करते रहिए, और हम जल्दी मिलेंगे हम लोग ना। तो चलो करते हैं, आप इवनिंग में आज बात करेंगे आप लोगों के साथ जब देखो अब कमेंट आ रहे हैं, अब मेरे कुछ बोलेंगे सर पूरे देश की बात करो, भाई जी हमारे से हमारे घर का ही मसला हल नहीं हो रहा तो हम पूरे देश की क्या बात करें, हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर ऐसे करो, अरे करें क्या भाई, एकजुट होने की समस्या है, जिस दिन हम सब एकजुट हो गए उस दिन किसी चोर की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कुछ गलत कर दे, ठीक है। हमें सबको एक होना पड़ेगा, बस एक होना पड़ेगा, वो आप देख लो कि किस तरीके से हमें होना है, बस एक बार एक हो जाओ फिर देखो आप। चलो तब तक शाम तक के लिए नमस्कार, शाम को तो हम बड़े लेवल पे लाइव आएंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन क्या क्या खेला है और कैसे खेला है और इस फेडरेशन में जुड़ा हुआ है ना, ठीक है जी।